पार्किंग करने से रोकना अपार्टमेंट के गार्ड को महंगा पड़ गया और उसके उस परिचित ने ही उसे मौत की नींद सुला दी जो उसके साथ रोज रात में बैठकर जाम छलकाया करता था। रांची के टुकुदाना ओपी इलाके में विद्यानंदन नामक व्यक्ति की हत्या बांसगढ़ा स्थित ओम डेवलपमेंट अपार्टमेंट में हुई। विद्यानंद उसी अपार्टमेंट में गार्ड का काम करता था जहां उसकी हत्या हुई थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अनुसंधान में जुट गई। इस दरमियान अपार्टमेंट के सीसीटीवी में संजय मिश्रा नामक व्यक्ति की तस्वीर पुलिस को नजर आई जो अपार्टमेंट के परिसर में देर रात दाखिल हुआ था और फिर वहां से जाते हुए भी उसकी तस्वीर दिखी, जिसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या की बात को स्वीकार कर ली। 10 के बीच में एक अपार्टमेंट के गार्ड की किसी ने पीछे धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी थी, तो जिसके उपरांत वहां पर पूरा छानबीन करा गया और उनकी उम्र दयानंद शर्मा जो मरने वाले हैं उनकी उम्र 55 वर्ष के करीब थी। और जब छानबीन करी गई सीसीटीवी वीडियोस निकाले गए तो उसके ऊपर एक आदमी पे शक से उसको गिरफ्तार करा गया। जब उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल करा और उनके द्वारा उसको मारा गया था, क्योंकि उनका एक ऑटो को लेकर विवाद था कि वो जहाँ पे जिस अपार्टमेंट में पार्किंग करते थे ऑटो की उसमें वो गार्ड मना करता था। हालांकि दोनों साथ उठते बैठते थे, बट कल जो बहुत दिन से उनके अंदर गुस्सा था और कोई और छोटी मोटी बात को लेकर उन्होंने इसके ऊपर धारदार हथियार से जो फरसा रूपी था उससे प्रहार करा और मल्टीपल प्रहार करे, गर्दन के पीछे और हाथों के नस पे भी काफ़ी वार किया। और पुलिस के द्वारा उसके टीम बनाकर मर्डर वेपन रिकवर करा गया है और उनका जो शर्ट है जिसपे खून के धब्बे हैं वो भी रिकवर करा गया। वहीं उसकी निशानदेही पर धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो लंबे समय से अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में अपने ऑटो को पार्क करता था, लेकिन हाल के दिनों में गार्ड उसे पार्किंग करने की इजाजत नहीं दे रहा था, जबकि दोनों रात में एक साथ बैठकर नशा करते थे और इसे लेकर दोनों के बीच कल रात बगझक हुई और विवाद इतना बढ़ा जिसके बाद उसने गार्ड की हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।